संतपुर वार्ड नंबर 5 शेख टोला बैजनाथपुर में फुलकाहा वितनरी पुल बनाने को लेकर मुखिया ने डीएम को दिया आवेदन। डीएम के आदेश पर एसडीएम एवं अन्य पदाधिकारियों ने स्थल का किया निरीक्षण। आपको बता दें, बसंतपुर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में फुलकाहा वितनरी पर पुल को लेकर बीरपुर में डीएम के समीक्षात्मक बैठक के दौरान बसंतपुर मुखिया नेहा मौसम खेरवार ने डीएम कौशल कुमार को एक आवेदन सौंपा, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि यहां के लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। मुखिया द्वारा दिए गए आलोक में डीएम ने एसडीएम कुमार सत्येंद्र यादव, बसंतपुर आरडीओ कुमार मनीष भारद्वाज और ग्रामीण कार्य विकास के कार्यपालक ने संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया और फुलकाहा वितनरी पर बनने वाले पुल को लेकर आवश्यक कार्रवाई की। मुखिया नेहा मौसम खेरवार ने बताया कि स्थल निरीक्षण के लिए एसडीएम आरडीओ और कार्यपालक अभियंता पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी और उम्मीद है कि जल्द ही इस वितनरी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। जानकारी अनुसार वर्षों से यहां चचरी पुल और बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है और कई घटनाएं भी हो चुकी है। हाल के दिनों में एक बच्चा डूब गया और मैयत के दौरान शव सहित शव को उठाने वाले लोग भी गिर चुके हैं। कुल मिलाकर यहां लगातार घटनाएं होती रहती है। बसंतपुर वार्ड नंबर 5 में पुल निर्माण को लेकर अपने सुपौल डीएम को आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला? कौशकी भवन में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें सभी विभाग के सभी पदाधिकारी आए हुए थे और उसमें मैंने अपने पंचायत के बजनाथपुर वार्ड नंबर 5 का पुला चचरी का पुल बना हुआ है, वहाँ पुला निर्माण के लिए सर को आवेदन दिए, जिसमें सर टीम गठित करके तुरंत एक्शन लिए और टीम गठित करके वहाँ निरीक्षण के लिए भेजे, जिसमें एसडीएम साहब, बीडीओ साहब और अन्य 2-3 पदाधिकारी वहाँ गए और टीम का स्थल का निरीक्षण किए। स्थल निरीक्षण करने के बाद जो एक्शन लिए सर लोग भी, एसडीएम साहब लोग भी, उससे लग रहा है कि पुल जल्दी ही बनेगा, क्योंकि वो पुल बहुत ही दयनीय है। वहाँ का पब्लिक, हम लोग जब पहुँचते हैं वहाँ तो पब्लिक में एकदम आक्रोश होता है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाते हैं बाद में हम लोग का कुछ नहीं सुनते हैं। तो मैंने भी बार बार कोशिश करके, हर बार इसका जिक्र करते हैं, लेकिन इस बार डीएम साहब आए तो उसको जो दिए, तो डीएम साहब जो एक्शन लिए हैं, एसडीओ साहब लोग भी गए वहां, तो इससे लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन होगा, और इसका सॉल्यूशन होगा तो इसके लिए मैं सर का सदा आभारी बनी रहूंगी।